नमस्कार दोस्तों, अर्लीवुड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो देख के आपकी जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो देखने के बाद यदि लास्ट में पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट वगैरह कर सकते हो आप कुछ भी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों, वीडियो आपके काम का है इसीलिए वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करते जाना है। यदि आपको पैसा वगैरह चाहिए तो भी वीडियो देखना है, वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है पैसा जो अर्निंग वाली सॉल्यूशन है वो भी समाधान हो जाए, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखते जाना और इधर उधर टाइम पास मत करना, टाइम पास करेंगे तो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा। चलो अब बात करते हैं, जैसा कि थंबनेल में देखा सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्टनेस है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट सुनवाई हुई थी उसमें काफ़ी सख्त हो गया था। सुप्रीम कोर्ट गुस्सा भी गया था सुप्रीम कोर्ट में जो जज साहब लोग हैं, ठीक है। तो आखिर कैसे क्यों गुस्सा हुआ था ये भी जानेंगे। लोन क्रेडिट कार्ड वाले तो खास करके देख लेना। और ये देखो क्या देकर वापस होगा क्या, अब यानी जो भारत सरकार ने कुछ हम लोगों के पास आप लोगों को क्रेडिट कार्ड वालों को कुछ क्रेडिट दिया था वही एक्स ग्रेसिया वगैरह का, ठीक है। तो देखेंगे क्या वो वापस लिया जा सकता है क्या, ये सारा चीज़ हम पॉसिबिलिटी इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे आखिर सच्चाई। चलो वीडियो आगे देखते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, यदि आप बड़े ध्यान से सुनना, आप इधर उधर की मत सोचना, यदि आप घर से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग आपको मोबाइल से अर्निंग करने के लिए आपके पास एक बहुत ही फ्री रिसोर्सेज है यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर सकते हो और वेबसाइट वगैरह से भी कर सकते हो। अब यदि यूट्यूब से अर्निंग करना है तो यूट्यूब के लिए आपको किसी से गाइडेंस वगैरह चाहिए, आपको यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करना, उस चैनल की सेटिंग वगैरह करना, ठीक है, टैग ये सब चीज़ यदि आपको करना है, स्टार्ट करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके लिए हम लोग आपको चार्ज करेंगे, आपके बजट में हम लोग चैनल वगैरह सेटिंग करके दे देंगे और आपको कुछ नहीं करना, नहीं भी आता तो भी आप केवल वीडियो देख के आप यूट्यूब पर अपनी लैंग्वेज में वीडियो बना सकते हो, उनके लिए हम लोग आपको गाइडेंस देंगे, ठीक है। और हो सकता है 15-20 दिन में चैनल भी मोनेटाइज हम लोग करवा देंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या है, जो वेबसाइट से अर्निंग, वेबसाइट वगैरह से यदि आप अर्निंग करना चाहते हो, ब्लॉग से अर्निंग करना चाहते हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी अपनी बजट में हम लोग वेबसाइट और ब्लॉगिंग वगैरह बना के दे देंगे और आप उनसे भी अर्निंग गूगल एडसेंस से कर सकते हो। तो ये तो हो गई ये वाली बात। अच्छा, अब यदि आप अर्लीवुड का मेंबर हो और मेंबरशिप आपने ज्वाइन कर रखा है और आपको वेबसाइट वगैरह सीखना है तो आप व्हाट्सअप कर लेना, हमारा व्हाट्सअप नंबर इधर दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप अर्लीवुड की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो इनसे आपको ढेर सारे फायदे वगैरह होंगे 100%, ठीक है। और यदि मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप व्हाट्सअप वगैरह कर लेना तो इनसे भी आपकी जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा, अर्निंग वगैरह के लिए गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे और सीखने में भी मदद करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती वाले पे आते हैं अब, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो भयंकर गुस्सा हुआ है पिछली सुनवाई हुई थी, ये देखो पिछली सुनवाई जो हुई थी 19 तारीख को, अब जरा मैं इसको एडिट कर लेता हूँ यार, ये बार बार यहाँ पर 19 तारीख ही शो कर रहा है। आज का डेट है 21 है यार, आज 21 है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 19 तारीख को जो सुनवाई हुई थी इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनके तरफ से कहा गया, जनाब मेरे पास भी एक्स ग्रेसिया का पेमेंट वापस आ गया है। एक्स ग्रेसिया का जो पेमेंट है, रिफंड है, एक्स ग्रेसिया रिफंड इनके पास भी आ गया। यानी अब सोचो सॉलिसिटर जनरल साहब, और सॉलिसिटर जनरल साहब की सैलरी कितनी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ उनकी अर्निंग भी आप सोच भी नहीं सकते कितनी करोड़ों में होगी, ठीक है ना। तो अब जब उनके पास भी एक्स ग्रेसिया का जो भी अमाउंट होगा, क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज किया होगा तो उनका भी है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाया, जनाब आपको क्या ज़रूरत है रिफंड की, आपको क्या ज़रूरत है पैसे की एक्स ग्रेसिया का, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो क्रेडिट कार्ड यूजर है तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं कन्विंस करने में सॉलिसिटर जनरल साहब जो है, मुझे पता नहीं जो कि कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए या ये किस परिप्रेक्ष्य में या किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक जो कहा है, यदि आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हो और आपको एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा है और आप उनसे दबा के शॉपिंग करते हो, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड होते हुए भी आपने दबा के शॉपिंग करी है, खूब ज़्यादा शॉपिंग करी है और फिर आपको एक्स ग्रेसिया दिया जा रहा है उस पर, तो फिर तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, यदि आपको सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ रिफंड मिलना चाहिए
रिफंड क्रेडिट मिलनी चाहिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो जेन्युइनली अफेक्टेड है उन्हीं को मिलना चाहिए, जो जेन्युइनली अफेक्टेड नहीं है, जो एफ्लुएंट पर्सन है उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी, जो यदि आपका क्रेडिट आया है रिफंड एक्स ग्रेशिया रिफंड आया है तो क्या वो दोबारा आपके खाते से डेबिट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसकी संभावना देखो, अब ये जो अगली सुनवाई होगी तो उस सुनवाई में देखने वाली बात होगी जो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इनको लेके। मुझे नहीं लगता जो अब ये तो छोटा मोटा अमाउंट वापस लिया जा सकता है, ये चीज़ इसकी संभावना कम ही लग रही। तो लोग बहुत से लोग परेशान थे, सर अब कहीं वो पैसा वापस तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, ठीक है। तो उसकी संभावना कम लगती है, ठीक है। एक बार यानी आपको खाना खिला दिया जाए, दोबारा आपको बोला जाए जो खाया है उसको निकालो, ये तो बहुत ही इधर उधर वाली बात हो गई। तो पहले तो आपके खाते में पैसा थोड़े जो कुछ भी आया वही, अब वो दे के अब वो वापस मांगना, तो फिर यार आपने आपको पहले ही ये गाइडलाइन तैयार कर लेनी चाहिए थी। तो खैर वो बात की बात होगी जो होगी, देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जो पैसा हम लोगों के खाते में क्रेडिट हुआ है थोड़ा बहुत ही सही, तो वो पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना, काम करने पे फोकस करो, इधर उधर टाइम पास मत करो कहीं भी, टाइम पास करोगे तो फिर आप ही का नुकसान है, ठीक है। वीडियो हो गया लंबा, चाहेंगे माफ़ी, थैंक यू।